गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3 अंडर द सेम टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल इन ज्योमेट्रिकल शेप्स. दैट मीन्स द यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन ज्योमेट्री. सो लेट अस टेक क्वेश्चन. अ सर्कल विथ इट्स सेंटर एट ओ, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड 8, हैज अ रेडियस ऑफ 17 यूनिट्स. Point P, 3 and minus 7 lies on the circle and also x is greater than 0. Then in such condition find the value of x. क्या दिया है बच्चों इस क्वेश्चन में? एक सर्कल लेते हैं. चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आपके सामने. सेंटर की वैल्यू O की वैल्यू दी रखी है. कोऑर्डिनेट से x and 8. एंड हैज अ रेडियस, और इसकी रेडियस की वैल्यू दे रखी है 17 यूनिट. एंड पॉइंट पी, सपोज पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है बच्चों. लाइज ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के बाउंड्री पर. मे बी हियर, लेट अस कंसिडर, मे बी यहां पर कहीं पे भी एक पॉइंट पी हो सकता है. जब भी हम उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे हमें पता है वी गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. सो कॉर्डिनेट ऑफ पी इज 3 एंड माइनस 7. और आपको ऐसे केस में पता क्या करना है बेटा? एक्स की वैल्यू, जिसमें एक्स की वैल्यू कैसी आनी चाहिए बोला है? ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. 0 टू मीन्स ओ टू पी डिस्टेंस इज गिवन एज 17 यूनिट और दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल में फिर से. तो डिस्टेंस OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर फॉर्मूला. सो वैल्यू ऑफ एक्स टू इज 3, सो वी कैन सिंपली राइट 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 8 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ओपी की वैल्यू दे रखी है, रेडियस 17 यूनिट्स, तो हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू अंडर रूट अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7 एंड माइनस 8 बिकम माइनस 15 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन, दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर करेंगे. देन 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इनटू माइनस बिकम प्लस, 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 और होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 9 प्लस 225 करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 225 प्लस 9 34 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर. और सिंपल होगा क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट दो टर्म है. जितना सिंपल हो सकता है लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. तो 289 माइनस 234 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस x स्क्वायर. नाउ 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 3 इज अगेन 5, 2 माइनस 2 इज 0. सो विल गेट 55 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस x स्क्वायर. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बट इसको हम जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे बच्चों. तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x 55. साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में तो बिकम माइनस 55 इज इक्वल टू 0. नाउ 55 और यहाँ पर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के सामने, तो ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 55. जनरल फॉर्म आपको याद है कि नहीं, एक बार रिमाइंड करा दें. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ए इंटू सी करेंगे बच्चों तो 1 इंटू 55 विल गेट 55. 55 के ऐसे दो फैक्टर्स लाने हैं जिनको ऐड करने पर माइनस 6 बने और मल्टीप्लाई करने पर 55 बने. तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 5 11 सा एंड 11 1 सा. सो वी विल गेट अ यूनिक सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 11.
सो राइट इट प्रॉपरली, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें माइनस में आंसर चाहिए, वी गेट माइनस साइन. सो वी कैन राइट 11x प्लस 5x, 11x प्लस 5x मीन्स माइनस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू जीरो. इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेंगे बच्चों, तो कॉमन लेंगे हम तो x, x माइनस 11 प्लस 5, व्हाट इज रिमेनिंग, x माइनस 11. तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, वी गेट टू फैक्टर्स, x माइनस 11 एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. सेपरेटली हम दोनों को अगर x माइनस 11 इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 5 इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी विल गेट x इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू माइनस 5. बट फिर से हम कंडीशन की तरफ देखेंगे बच्चों, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए x की वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स x वैल्यू ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव. तो 11 और माइनस 5 में से दोनों में से हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यू हमेशा 11 कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स 11 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. और x की वैल्यू माइनस 5 जो आई है उसको हम कैंसिल करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू बिकॉज वी हैड अ कंडीशन विद अस. आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन. ऐसे और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना. थैंक यू.